थक गई हो ना मुझसे? मैं भी थक गई हूँ खुद से, अब जीना नहीं चाहती मैं, मार दो मुझे। मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है रोजी, प्लीज मुझे इस नरक से मुक्ति दे दो। मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है रोजी, प्लीज मुझे इस नरक से मुक्ति दे दो। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे देश में डाकू के संत बनने की कथा भी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे यहां ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कभी लोग अपना रोल मॉडल मानते थे, लेकिन कालांतर में वे कई घिनौने अपराधों में लिप्त हो गए। ये श्रृंखला एक आम इंसान के अंदर पनपते देव और दानव के द्वंद्व की एक मिसाल है। ऐसे द्वंद्व प्रत्येक मनुष्य के भीतर हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है जो इंसानियत गर्त में और हैवानियत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, और मनिका जैसे मासूम इस हैवानियत की इतनी बड़ी सजा भुगतते हैं। यह केस कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी असहनी पीड़ा है जिसने मनिका के शरीर और उसके अंतर्मन को तोड़कर रख दिया था। मनिका की यह दुर्गति ऐसे शातिर और खूंखार अपराधी द्वारा की गई थी जिसने एक विकराल दानव का रूप ले लिया था, जो हिंदुस्तान की लगभग हर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का एक बड़ा सरदर्द बन गया था। देखिए बम टाइमर पे 20 मिनट का वक्त नहीं है, अगर धमाका हुआ तो बहुत तबाही होगी, सो प्लीज हरी अप। एक मिनट, क्या काम है? वो मुझे इस वार्ड के पेशेंट को इंजेक्शन देना है। लेकिन इस वार्ड में तो नर्स रोजी की ड्यूटी है, आप कौन? मैं मनिका, वो रोजी की तबीयत नहीं ठीक है तो मुझे इंजेक्शन देना होगा। ठीक है, जाइए। रोजी, तुम होती कौन हो डिसाइड करने वाली? मुझसे बिना पूछे तुमने एक इंटर्न को इंजेक्शन देने के लिए भेज दिया? हाँ सर, मैं क्रिमिनल से बहुत डर गई थी सर, तो इंटर्न के इंजेक्शन देने से क्रिमिनल मर गया तो पुलिस को क्या जवाब देंगे हम? वो पहली वाली डर गई मेरे ऊपर से। लेकिन उसकी जगह तू कमा सकती है लाखों रुपया। बाजू दो अपना। क्या बाजू? सिर्फ एक कॉल करना है और मेरा मैसेज पास करना है। लाखों रुपया, एक कॉल और लाखों रुपया, सोच ले।
कॉल करके क्या मैसेज देना है? 12 तारीख को कपूरथला में बारिश आएगी, कहना अमरिंदर ने बोला है। ये कह रहे हैं कि एक नंबर पे कॉल करके कहना है कि 12 तारीख को कपूरथला में बारिश आएगी। मुझे लगता है कोई मैसेज पास कराना चाहते हैं। ए, ज्यादा शान समझ रही है क्या अपने आपको? ए, मुझसे बात कर बेटे, तेरे बारिश नहीं अब बिजली गिरेगी। चिल्ला मत, चुपचाप सो जा। तुम जाओ। बिजली गिराएगा? चल चल पीछे। ए ए ए डॉक्टर, चल इधर इधर कोने में चल, तेरे को मैं देखता हूँ। पीछे चल। ए, मार दूंगा इसको, मार दूंगा, ठोक दूंगा इसको। नीचे रख, अबे नीचे। ए पीछे चल चल। ए हट, चल पीछे रहना पीछे। चल चुपचाप चल। ए नीचे, ए चल नीचे। तेरा ये रास्ता गलत है, छोड़ दे इसको। ठीक है, चल चुपचाप से चल 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 जल्दी। ए ए हट। क्या ये सब? अगर तुम दोनों की वजह से आज वो क्रिमिनल खून खराबा कर देता तो? सॉरी सर, लेकिन उसने कोई खून खराबा नहीं किया, बल्कि पुलिस को उसके मंसूबों का पता लगा है सर। अच्छा, इसके लिए तुम्हें मेडल मिलना चाहिए, वो भी एक नहीं दो। पहला मेडल उस क्रिमिनल के मंसूबे नाकामयाब करने का, अब दूसरा मेडल पहली बार इंजेक्शन देने के लिए, राइट? नो सर, ये मैंने पहली बार इंजेक्शन नहीं दिया है, मैं इससे पहले 15 बार दे चुकी हूँ सर। क्या 15 इंजेक्शन तुमने दिए? जी। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी पहली जॉब है, राइट? एग्जैक्टली सर, ये मेरी पहली जॉब है, लेकिन इससे पहले मैंने मेरे गांव में मेरी माँ को 15 इंजेक्शन दिए थे सर। एक्चुअली वो उन्हें डायबिटीज था और गांव से हॉस्पिटल 100 किलोमीटर दूर था, तो मैं ही उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन देती थी सर। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये सारे अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो पुलिस इन्फॉर्मर बन जाए, लेकिन अगर नर्स की जॉब करनी है तो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ प्लीज लीव। Yes, sir. Come in, Adil. Have a seat. Thank you, sir. Last week, में हुई एक मुठभेड़ में एक कट्टरवादी मारा गया था और उसके पास पड़ोसी मुल्क के 7 लोगों के पासपोर्ट मिले। उनमें से एक पासपोर्ट पे जुल्फिकार आलम का नाम था, लेकिन उस पर फोटो ये है। तुम्हें याद है स्पेशल सेल में प्रमोशन से पहले तुम्हारा आमना सामना इस क्रिमिनल से हुआ था? Of course, sir. ये गुलशन खन्ना है। यही चौंकाने वाली बात है कि ये गुलशन खन्ना बॉर्डर पार करके जुल्फिकार कैसे बन गया? पर सर, इसे 10 साल की सजा हुई थी। आई नो, इसे अभी भी जेल में होना चाहिए था, लेकिन जेल में बहुत बड़ा गुफअप हुआ है। इत्तेफाक से उस जेल में गुलशन खन्ना नाम के 2 कैदी थे। इस गुलशन खन्ना को 10 साल की सजा हुई थी और दूसरे गुलशन खन्ना को 8 साल की। तो मतलब गुलशन खन्ना को जमानत मिली, लेकिन उस जमानत पर वो गुलशन खन्ना बाहर नहीं गया, जेल से बाहर गया ये वाला गुलशन खन्ना। राइट। हमें इस गुलशन खन्ना उर्फ जुल्फिकार को ढूंढना होगा। मगर सर, अगर ये इस वक्त भी पड़ोसी मुल्क में हुआ तो? नहीं, इंटेलिजेंस का मानना है कि वो पड़ोसी मुल्क में ट्रेनिंग के लिए गया जरूर था, लेकिन अब शायद वो इंडिया में वापस अपने साथियों के साथ कुछ तो खतरनाक करने वाला है, जिसका कि सस्पेंस अभी तक बरकरार है। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? इस गुलशन खन्ना को ढूंढना है और इंटेलिजेंस के हवाले करना है, और वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। आई श्योर, ये गुलशन खन्ना जहाँ कहीं भी होगा ढूंढ निकालूंगा सर। अमरिंदर को आज ग्लोबल ग्रीन हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाया जा रहा है। गॉड, ये आफत यहाँ से गई। मणिका, तुम मेरे केबिन में आओ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत रूड हूं, हाँ, बट आई रियली अप्रिशिएट यू। तुम अपना काम बहुत ही मन लगा के कर रही हो। थैंक यू सर। लेट्स कॉल मी सचिन।
अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि कल से मैं नाइट आवर्स में रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना शिफ्ट टाइम चेंज कर लो। आई वॉन्ट यू टू असिस्ट मी। नो इफ एंड बट, डॉक्टर बनना चाहती हो तुम? आई वॉन्ट टू सी योर डेडिकेशन। आई कैन रिकमेंड यू इफ आई सी सम स्पार्क इन यू, राइट? यू कैन गो। ओके सर। और वो कुछ रिकमेंड नहीं करने वाला तुझे, वो सिर्फ तुझ पर ट्राई मार रहा है। मतलब? अरे इतना भी समझती क्या? अरे ही इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ यू। उस रोमियो से ना बच के रहना, समझी? चल। सर, रिकॉर्ड के मुताबिक गुलशन खन्ना पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला था, और 10 साल पहले इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी मदर भी गुजर गई थी, और 3 साल पहले जब वो जेल से बाहर आया तब से वो फिरोजपुर में भी नहीं देखा गया। सर, शायद इसको पकड़े जाने का खतरा हो, इसलिए इसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। लेकिन एक छोटा सा क्रिमिनल बॉर्डर पार करने में कामयाब कैसे हुआ और कट्टरवादी बन गया? हो सकता है ये बाकी के भी गुलशन की तरह क्रिमिनल्स हों और कट्टरवादी बन गए। सर, क्रिमिनल डाटाबेस से इन सबके फोटो टैली करवाता हूँ। पर अहम सवाल ये है कि गुलशन खन्ना इतनी बड़ी जालसाजी करके जेल से फरार होने में कामयाब कैसे हुआ? आखिर जेल में चल क्या रहा था? 1 साल पहले मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ, और जब से मैंने ज्वाइन किया यहाँ के रिकॉर्ड सब ऐसे ही थे। तिवारी जी, आपने इस जेल को कब ज्वाइन किया, आपका कब ट्रांसफर हुआ, मैं जानने नहीं आया हूँ। मेरे लिए मुद्दा यह है कि जब जमानत गुलशन खन्ना 2 को मिली तो जेल से बाहर गुलशन 1 कैसे चला गया? अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की फोटो इंटरचेंज हो गई, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसकी जांच बैठी है। गुलशन खन्ना 2 अभी जेल में है ना, हमें मिलना उससे। साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरी जमानत करवाई गई थी। वो दूसरा गुलशन जरूर कोई 30 मार खा होगा जो इतना बड़ा खेल करके चला गया। साहब, जरा हम भी जाने कितना बड़ा 30 मार खा था, और क्या जानते इसके बारे में? साहब, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरी उससे कभी बात भी नहीं हुई। इधर जेल में वो हमेशा मकबूल भाई से चिपका रहता। साहब, इधर जेल में हर कोई मकबूल भाई की इज्जत करता था। फिर हम भी मिलते हैं इस मकबूल भाई से। साहब, मकबूल भाई को तो फांसी की सजा सुनाई गई, उनको तो फांसी भी होगी। व्हाट? मुझे नहीं मालूम था तुम शांतिनगर में रहती हो। वैसे रोज मैं यहीं से जाता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूंगा, ठीक है? नहीं डॉक्टर, सचिन भूल गई तुम। देखो, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है ना, इतना हेजिटेट कर लेंगे। रिलैक्स। हेलो, व्हाट द हेल, क्या हुआ? वो क्रिमिनल अमरिंदर पुलिस कस्टडी से भाग गया। सर, कमें? सर, गुलशन खन्ना के अलावा बाकी किसी के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का मालूम नहीं चला। वो मकबूल जादी, गुलशन खन्ना जिसके टच में था वो क्रिमिनल लॉयर था, तो पूरे चांसेस हैं कि मकबूल जादी उस लॉयर को भी जानता हो जिसने दूसरे गुलशन खन्ना की जमानत करवाई थी। हो सकता है सर। और सर, मकबूल जैदी का पास रिकॉर्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसने टाड़ा कोर्ट में एक ऐसे आदमी की पैरवी की थी जो 7 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट में सस्पेक्ट था, और फिर वो केस हार गया और वो आदमी कट्टरवादी प्रूव हुआ। सर, हो सकता है मकबूल जैदी का गुलशन को जेल से बाहर निकलवा के कट्टरवादी बनाने में हाथ हो। ये मकबूल आखिर शय क्या थी? क्रिमिनल लॉयर था, लेकिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के शौहर का कत्ल करके फांसी पर चढ़ गया। इसकी कहानी को ज़रा करीब से समझने के लिए इसके करीबी लोगों से मिलना पड़ेगा। क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? कुछ नहीं दीदी, वो हॉस्पिटल की नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो थोड़ी एंजाइटी हो जाती है। तो जरूरत क्या है नर्स की ड्यूटी करने की? अरे क्यों नहीं, जॉब नहीं करेगी तो बोर हो जाएगी, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। जीजू, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं एक घर रेंट पर ही ले। कैसी बात कर रही है मनिका, वो तो तुझे बस मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ रोजी, मैंने तुझे कहा था आग से दूर रहने के लिए, लेकिन तू तो उसी के साथ खेलने लग गई। अब ना तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे। मेरे भी होश उड़े हुए हैं रोजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जब से वो क्रिमिनल भाग गया है। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं डॉक्टर सचिन की बात कर रही हूँ। लगता है तूने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया,
तभी उनके साथ कार में राइड कर रही थी। अरे वो उन्होंने उन्होंने ऐसे फोर्स किया ना मुझे कि मैं मना ही नहीं कर पाई। और तू जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। सर मकबूल से मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया था, लेकिन उसने उस कट्टरवादी के सपोर्ट में केस ले लिया। से मेरे घर वालों को लगा कि वो अच्छा आदमी नहीं है और हमारा रिश्ता तोड़ दिया गया। उसके बाद मेरा निकाह कहीं और हो गया, लेकिन मकबूल ने मेरे शौहर को भी मार डाला और जेल जाने के बाद भी लगातार फोन करके मुझे परेशान करता रहा। सर मकबूल जेल जाने के बाद आपको फोन करता था? जी सर, सिर्फ फोन कॉल्स नहीं, मैसेजेस, ईमेल, ये सब भी किया करता था और कहता था कि जेल तोड़कर आ जाएगा और मुझे किडनैप कर लेगा। सर जब तक उसे फांसी नहीं हुई ना, मैंने एक सांस चैन की नहीं ली सर। मकबूल आपको जिस नंबर से कॉल करता था और जिस ईमेल आईडी से मेल करता था वो दोनों प्लीज लिखिए आप। क्या हुआ मलिका, तुम इतनी डर क्यों गई? आर यू ऑल राइट? ठीक हो? आदिल, मैंने तुम्हें गुलशन खन्ना को ढूंढने को कहा था और तुम मकबूल जैदी का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करने लगे जिसे कि ऑलरेडी फांसी हो चुकी है। सर मेरी गट फीलिंग कहती है कि जेल में गुलशन वन और गुलशन टू के जो रिकॉर्ड मिक्सअप हुए वो मकबूल की रिश्वत पे हुए। हालांकि मकबूल अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसका किया सामने लाना थोड़ा मुश्किल है। पर सर स्ट्रांगली फील कि सच यही है, क्योंकि सर गुलशन जेल में मकबूल के टच में था और सर ये मकबूल जेल में रहते हुए भी फेक आईडी से लिए गया सिम इस्तेमाल करता था। उस सिम से ना सिर्फ वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था बल्कि फेक आईडी से लिए गए और कई नंबर्स पे लगातार कॉल करता था। उस जेल में इतना कुछ हो रहा था? सर इतना ही नहीं, हमें तो यहाँ तक पता चला है कि मकबूल जेल में रह के ईमेल भी करता था। जिस ईमेल आईडी का वो इस्तेमाल कर रहा था साइबर टीम की मदद से हमने उसकी डिटेल्स निकलवाई। सर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मकबूल के मरने के बाद भी वो ईमेल आईडी अभी भी एक्टिव है। सर इनमें से ज़्यादातर ईमेल्स में तो ऊटपटांग शेरोशायरी लिखी गई, लेकिन ये जो आखिरी दो ईमेल्स हैं ये गौर करने लायक है। मैच पोस्टपोन नहीं होगा, प्लेयर्स को बोलो अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। सर आई थिंक ये कोई कोड लैंग्वेज है जिसके जरिए कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है। जिस आईडी से ये मेल आया वो ट्रेस हुआ? नहीं सर अभी तक नहीं, लेकिन साइबर टीम कोशिश कर रही है। और सर इस ईमेल के अगले दिन एक और ईमेल आया, ये वाला। अब इसमें ना तो कोई वर्ड्स है ना कोई सेंटेंस है, इसमें सिर्फ डिजिट्स है, 22 डिजिट, टोटल 22 डिजिट्स। सर हो ना हो ये कोई कोड है और हमें इस कोड को जल्द से जल्द डिकोड करना होगा ताकि हम किसी भी बड़े हादसे को होने से रोक सकें। हेलो, आजकल बहुत चिपक रही है डॉक्टर सच्ची से। तुम एक मामूली सी नर्स होकर डॉक्टर से शादी करने का सोच रही है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो कौन तुम? मैं जो भी हूँ जल्दी जान जाएगी, अब दूर रहे डॉक्टर सच्ची से वरना बहुत पछताएगी। उसने तुम्हें मुझसे दूर रहने की धमकी दी, था कौन वो? उसने कुछ नहीं बताया सर, लेकिन जरूर उसे कोई गलत फहमी हो रही है क्योंकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं नहीं जानता तुम मुझे लेकर क्या सोचती हो, लेकिन देखो सच तो ये है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर आप? भले तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहती हो, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी।
सर मैं आई नो मनिका इट्स टू अर्ली, इतनी जल्दी तुम्हारे लिए हाँ बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन टेक योर टाइम, आई विल वेट। डिपार्टमेंट के कई एक्सपर्ट्स से मैंने इस 22 डिजिट के कोड को डिकोड करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन सर इन कोड्स को डिकोड करना नेहा जरूरी है सर, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो हमें बिना वक्त गवाए इन्हें डिकोड करना चाहिए। मैंने भी यही कंसर्न शो किया था, लेकिन उनका कहना है कि ये केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दिया जाए जो कि इस तरह के केसेस की एक्सपर्ट है। बट सर आपने मुझे 15 दिन दिए थे, अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं सर। वैसे भी डिसाइड हो चुका है, वी आर नो मोर इन दिस केस। मनिका की हालत बहुत क्रिटिकल है सर, उसके साथ किसी ने चेंजिंग रूम में। सिस्टर आप हमें क्राइम सीन दिखा सकती हैं? यस दिस डोंट टच डोंट जस्ट रूम जी सब। मनिका को ना सिर्फ मारने की कोशिश की गई है बल्कि शायद उसके साथ रेप भी। सर चेंजिंग रूम के आसपास के एरिया में कोई सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। मनिका कल नाइट ड्यूटी पे थी, उसकी ड्यूटी 5-6 बजे तक चली होगी, उसके बाद वो चेंज करने के लिए वहाँ आई है। भले चेंजिंग रूम के पास कोई सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं, पर आपके दुनिया के सारे क्राइम का पता सीसीटीवी से चलेगा? हॉस्पिटल है, इतना बड़ा स्टाफ है, स्टाफ की आँख और कान तो खुले होंगे ना। इतना बड़ा कांड हुआ, किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, हाउ इट्स पॉसिबल? सर अभी तक तो किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, पता नहीं ये काम आउटसाइडर का है या इनसाइडर का है। मैं हॉस्पिटल के बाकी सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहा हूँ। क्विक सर। डॉक्टर मनिका की हालत आप कैसी? मनिका के गले में चेन इतना टाइट बांधी गई थी कि उसके ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक गई और मनिका कोमा में चली गई। क्या मनिका का रेप भी किया गया था? नहीं सर, बट हमें आई विटनेस ने बताया कि मनिका के कपड़े नीचे से उतारे गए थे। और सर एक्चुअली वो मनिका को प्रीयर से आया हुआ था, हो सकता है इस वजह से क्रिमिनल रुक गया हो, लेकिन रेप के कोई साइन नहीं है। अच्छा, हमें ये भी पता चला कि मनिका कल रात नाइट ड्यूटी पर आप ही के साथ थी। जी सर, मुझे तो लगा था कि नाइट ड्यूटी के बाद वो चली गई होगी, लेकिन वो सर होना हो ये ज़रूर सुरेश ने ही किया है। सर कौन सुरेश? सर वो यहाँ वार्ड बॉय था, मनिका ने पहले मुझे उसके खिलाफ कंप्लेन भी की थी। कुछ दिन पहले सर चेंजिंग रूम में मनिका को चेंज करते हुए देख रहा था। ये क्या बोल रही है मनिका? मैं ऐसा करूँगा? भरोसा तो मुझे भी नहीं हुआ था कि तुम इस हद तक गिर सकते। अरे गिर तो तू रही है, जितना घटिया रहा हूँ। मैं सुरेश के खिलाफ पुलिस एक्शन लेना चाहता था, लेकिन मनिका नहीं चाहती थी कि बात फैले,
इसीलिए मैंने सुरेश को सस्पेंड करवा दिया। लेकिन आई एम श्योर सर, उसी ने मनिका से बदला लिया है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मनिका को पहले भी गलतफहमी हुई थी सर, उसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। तो इसी बात की खुंदक निकाली, तब जो नहीं कर पाया वो अब कर दिया। सच कह रहा हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। संदीप सर, सर सुनो सर, अगर मनिका का उस वार्ड बॉय से कुछ भी इशू था तो उसने इस बारे में आपसे तो जिक्र किया होगा। नहीं सर, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो काफी दिनों से कुछ डरी डरी सी रहती थी। किस वजह से डरी हुई थी सर? इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया, पर वो नाइट ड्यूटी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। अच्छा, मनिका के कानों में जो ईयरिंग्स थे, उन ईयरिंग्स को खींच कर बाहर निकाला गया। आप लोग कुछ बता सकते हैं मनिका किस तरह के ईयरिंग्स पहनती थी? सर मनिका तो सोने की ईयरिंग्स पहनती थी और हाथों में सर सोने की चूड़ियां पहनती थी। ये देखिए सर। कौन? हमने वार्ड बॉय सुरेश के घर को अच्छी तरीके से चेक किया, लेकिन ना तो वहाँ मनिका के इयररिंग्स मिले और ना ही कड़े, और सुरेश ने भी अभी तक मुंह नहीं खोला है। हॉस्पिटल के बाकी सीसीटीवी फुटेज से भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। मनिका को बुरी तरह टॉर्चर किया गया और डॉक्टर सचिन का कहना है कि रेप के कोई साइन नहीं, तो क्या मैं सोने के गहनों के लिए मनिका का इतना बुरा हाल किया गया? सर हो सकता है क्रिमिनल का मकसद कुछ और हो उसे मारने का, जब उसे लगा कि उमर गई तो चला गया क्राइम को लूट की शक्ल देकर। क्राइम सीन से हमें यह चेन मिली, हो सकता है क्रिमिनल ये चेन अपने साथ लेकर आया। जहाँ जहाँ यह चेन बिकती है सब जगह पता करो, और क्राइम सीन से हमें ये सिगरेट बट भी मिले। मनिका से जुड़े लोगों में और हॉस्पिटल के स्टाफ में इस ब्रांड की सिगरेट कौन कौन पीता है पता करो सर। और सर मैंने मनिका के CDR भी चेक किए, उसे आखिरी कॉल एक PCO से किया गया था, और इसी PCO से पिछले एक हफ्ते से उसे कई बार कॉल किया गया था। इस PCO की डिटेल निकलो, पता करो ये PCO कहाँ है। सर जिस PCO से मनिका को कॉल किया गया था, ये PCO का नंबर है, और ये PCO संत नगर में आपके घर से महज 300 मीटर की दूरी पर है। ये कॉल किसने किया होगा? एक्चुअली सर मुझे भी मनिका ने ये नंबर दिखाया था, उसको इसी नंबर से थ्रेट कॉल्स आ रही है। थ्रेट कॉल्स? यस सर। एक्चुअली सर मेरा और मनिका का अफेयर था, और कोई मनिका को धमकी दे रहा था कि वो मुझसे दूर रहे। ये बात आपने हमें पहले नहीं बताई। हाँ सर मैं बताने वाला था, लेकिन उस वक्त मुझे ज्यादा डाउट सुरेश पे था। थैंक यू। वैशाली पुलिस को जब मनिका के साथ हुए क्राइम के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे कुछ अपडेट दी। वैशाली पुलिस ने मनिका के केस की अपडेट दी? यस सर, वैशाली पुलिस ने अमरिंदर नाम के क्रिमिनल को अरेस्ट किया था, उसका इलाज उसी हॉस्पिटल में चल रहा था, और मनिका की वजह से उसके कपूरथला के एक अड्डे का पता चला था जहाँ पर उसकी हथियारों की खेप भी पकड़ी गई थी, और हॉस्पिटल से निकलते ही अमरिंदर फरार हो गया। हो सकता है अमरिंदर ने ही मनिका के साथ में ये किया बदला लेने के लिए। अमरिंदर गैंग की डिटेल निकलो और पता करो जिस दिन ये क्राइम हुआ उस दिन हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में उसके गैंग का कोई आदमी दिखा था क्या? सर ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा मनिका, मैं जानता हूं तुम पल पल जीने के लिए लड़ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं रिजाइन कर लिया है मनिका, और हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। जी सर। सर ऑल अपडेट। जय हिंद सर।
उस तरह की चेन ज़्यादातर हार्डवेयर स्टोर पर मिलती हैं, लेकिन उस जरिए से भी कोई लीड नहीं मिला है। और उस ब्रांड का सिगरेट भी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोग वो सिगरेट पीते हैं। अमरिंदर का एंटीट्यूड डिटेल? सर, फरार होने के बाद रिसेंटली उसने गन के साथ में अपनी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए। आए दिन फेक आईडी से अपनी इस तरीके की फ़ोटोज अपलोड करता रहता है। सर, हॉस्पिटल से मनिका की हेल्थ रिपोर्ट आ गई है। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि मनिका ने रिएक्ट करना भी बंद कर दिया। अब कहना मुश्किल है कि वो कोमा से बाहर कब तक आएगी। सच बहुत डरावना है, ये पल पल मुझे डरा रहा है, पर मैं बेजुबान नहीं रहना चाहती। मैं बोलना चाहती हूँ, आंखें खोल के फिर से इस दुनिया को देखना चाहती हूँ, लेकिन कब? मनिका को कोमा में गए 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके थे, लेकिन मनिका को उस हाल में किसने पहुंचाया होगा, यह अब भी राज बना हुआ था। पुलिस सोच रही थी कि मनिका की गवाही इस केस को लीड देगी, लेकिन मनिका के रिकवर करने या स्वस्थ होने की संभावना दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही थी कि तभी अचानक मीडिया इस केस को एक चौंका देने वाला एंगल देने लगी। इस क्राइम को लेकर मीडिया में ज्यादा कोई हरकत नहीं थी, लेकिन मैं आज इस केस से जुड़े कई रहस्य उजागर करने वाली हूँ। ग्लोबल ग्रीन हॉस्पिटल की नर्स, जिसे उसके ही हॉस्पिटल के चेंजिंग रूम में उसे मारने की कोशिश की गई, उसके साथ हुए असल गुनाह की सच्चाई छिपाई जा रही है। हमारे हाथ क्राइम सीन के कुछ ऐसे फोटोज लगे हैं जो चौंकाने वाले हैं, तो जाहिर करता है कि शायद उसके साथ रेप भी किया गया होगा। तो क्या असलियत दबाई जा रही है? ये क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स मीडिया के हाथ कैसे लगे? सर, हमारी टीम से ऐसी गलती नहीं हो सकती। तो फिर ये फोटोग्राफ मीडिया के में लीक कैसे हो गए? ध्यान रहे कि मेरा नाम लीक ना हो, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो फोटोज मैंने आपको दिए। डोंट वरी रोजी, लेकिन सच बाहर आकर ही रहेगा कि मनिका का रेप हुआ था। बट आर यू श्योर कि डॉक्टर सचिन मनिका के रेप की सच्चाई छिपा रहा है? सर, डॉक्टर सचिन ने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया है। वो कल रात ही यहाँ से इंदौर चला गया है, और हॉस्पिटल के एक एम्बुलेंस ड्राइवर का फोन भी कल रात से बंद आ रहा है। ये उन 16 लोगों में से एक है जो उसी ब्रांड की सिगरेट पीते हैं। कौन है एम्बुलेंस ड्राइवर? सर, ये गुलशन खन्ना। वो जयपुर में जहाँ रहता है वो घर बंद है, और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में इसका नेटिव एड्रेस पंजाब के फिरोजपुर का है। गुलशन खन्ना, गुलशन अगर फिरोजपुर नहीं पहुंचा तो गया कहाँ? पता नहीं सर। सर, लेकिन डॉक्टर सचिन गायब नहीं है। लेकिन डॉक्टर सचिन के रिजाइन करते ही गुलशन खन्ना गायब हुआ, हो सकता है इसमें इन दोनों की मिलीभगत हो। इस डॉक्टर सचिन पर नजर रखो, और गुलशन खन्ना इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। ओके सर। गुलशन खन्ना 10 साल पहले मनिका का गुनहगार था, जिसे पुलिस ने 10 साल पहले खबरियों की टिप पर चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन क्या 10 साल बाद वो वाकई जुल्फिकार आलम बन चुका था, या फिर ये कोई ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें पुलिस उलझ कर रह गई थी? ऐसा लग रहा है एक सदी गुजर गई यहां पड़े पड़े। मैंने जिस नजर से इस दुनिया को देखा था, वो दुनिया तो अब बहुत बदल गई होगी, लेकिन क्या उस बदली हुई दुनिया में अब कोई ऐसा होगा जो मेरे बारे में सोचता होगा? देखो अरुंधति, मनिका भले ही पिछले 10 सालों से कोमा हो, लेकिन हमारा संविधान किसी को भी इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं देता। ये आर्टिकल 21 का वोल्यूशन होगा जो हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। और अब तुम ये कह रही हो मनिका के घर वाले? सर, उसके घर वालों को उसकी कुछ नहीं पड़ी है। अरे, सालों से हॉस्पिटल में है मनिका, उसको देखने तक नहीं आए। लेकिन मैं सर, तुम्हें कैसे पता कि मनिका इच्छा मृत्यु चाहती है? उसके अधिकारों के लिए लड़ रही हो, लेकिन तुम उसकी जिंदगी की मालिक नहीं हो जाती। तुम्हारी पिटीशन रिजेक्ट की जाती है। सर प्लीज, यू कैन गो। सर, कमिश्नर। सर, ऑफिशियली ये केस हमारे हाथ से जा चुका है, लेकिन फिर भी आप इस केस पर काम कर रहे हैं? हाँ शर्मा, क्योंकि मैं खुद को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर गुलशन खन्ना की कोई भी लीड इन डिजिट्स और अल्फाबेट में कहीं छुपी है ना, तो मैं उसे डिकोड करके रहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात को नहीं करनी पड़े। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, उनका कहना है कि इन डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, और इन डिजिट्स के अल्फ़ाबेट्स को अगर जोड़ें तो एक वर्ड फॉर्म होता है जिसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में हर अल्फ़ाबेट का एक अक्षर होता है। एग्जैक्टली, सेम उसी तरह से यहाँ पर
ए टू आई और जे टू आर को 1 से 9 के डिजिट्स दिए गए हैं और एस टू जेड को 9 से 1। हालांकि टेररिस्ट ग्रुप इन नंबर और डिजिट्स को अपने हिसाब से घुमाते रहते हैं, बट स्टिल आई हैव टू फाइंड आउट कि ये 22 डिजिट्स जो हैं, अब इनके अल्फाबेट्स को जोड़ने के बाद कौन सा वर्ड फॉर्म होता है। सर, अगर हम अनऑफिशियली इस केस पर काम कर ही रहे हैं तो हमें उस क्रिमिनल अमरिंदर पर भी रीलुक करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता था कि अमरिंदर का गुलशन से कनेक्शन होगा। हाँ, पर शर्मा का अमरिंदर तो काफ़ी लंबे अरसे से अंडरग्राउंड है ना। सर, अगर मान लें कि अमरिंदर का गुलशन से कनेक्शन हो तो मकबूल भी अमरिंदर से कनेक्टेड हो। मुमकिन है, इन्वेस्टिगेट इट। अरुंधति मैडम, कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन लेकिन मनिका रोज मेरे सपने में आती है और यही कहती है कि उसे इस नर्क से मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मनिका की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ गुलशन नहीं, डॉक्टर सचिन भी है? उसने ही जानबूझकर मनिका की रेप केस की बात छिपाई थी। अब इन बातों का क्या फायदा मैडम, पुलिस ने अरेस्ट तो सिर्फ गुलशन को ही किया था ना। बोला शर्मा। सर, मैं अमरिंदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके होम टाउन गंगानगर आया हुआ था। सर, मुझे गंगानगर पुलिस स्टेशन से 3 साल पहले हुए 2 बहनों के रेप केस के बारे में पता चला है, जिनकी लाशें पेड़ पे लटकी हुई मिली थी। और इसका हमारे केस से कोई ताल्लुक? सर, कनेक्शन है। इस रेप केस के एक विटनेस ने उन दोनों बहनों के साथ एक अज्ञात आदमी को देखा था, उसका स्केच भी बना था और वो स्केच गुलशन खन्ना के चेहरे से मैच करता है। सर, ये रेप केस उसी दौरान सामने आया जब गुलशन खन्ना जेल से फरार हुआ था। मतलब जेल से फरार होने के बाद गुलशन खन्ना ने गंगानगर में 2 लड़कियों का रेप और कत्ल किया। जी सर, और सर मनिका के केस में भी यही सवाल उठते थे कि मनिका का भी रेप हुआ था। पर उस वक्त डॉक्टर सचिन ने साफ साफ कहा था कि मनिका का रेप नहीं हुआ। मेरे साथ हुए गुनाहों के रास रोज मेरे अंदर मर रहे हैं और कोई नहीं जानता मैं क्या चाहती हूँ, जिंदगी या मौत। मनिका के लिए की जा रही इच्छा मृत्यु की फरियाद अदालत लगातार अस्वीकार करती जा रही थी, लेकिन 10 साल से मनिका के अंतर मन में चलती आ रही उसके दर्द की पुकार कुदरत ने ऐसे सुनी कि उसे खामोश मौत का फैसला सुना दिया। लेकिन मनिका मरने के बाद भी मीडिया के लिए जिंदा हो गई, मुद्दा फिर से गर्म होने लगा और ये सवाल दोबारा उठने लगे कि क्या उसका 10 साल पहले रेप भी हुआ था। और जब यह जग जाहिर हो गया कि मनिका का गुनहगार गुलशन खन्ना जेल से फरार है तो पुलिस चारों तरफ दबावों से घिर गई। सर, हम गुलशन खन्ना का तो अभी तक पता नहीं लगा पाए, पर मुझे लगता है कि जो 22 डिजिट का कोड था वो मैंने डिकोड कर लिया है। तुमने डिकोड कर लिया? यस सर। सर, इस कोड में ये जो टोटल अल्फाबेट्स हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है, ए टू आई और जे टू आर, इन्हें 9 से 1 के डिसेंडिंग नंबर्स दिए गए हैं और एस टू जेड इनको 9 से 2 के डिसेंडिंग नंबर्स दिए गए। और सर, इन अल्फाबेट्स को जोड़ने के बाद जो पॉसिबल वर्ड सामने आया है वो है सर, इमानुद्दीन चौक। और ये जो बचे हुए डिजिट्स हैं इनके कोई अल्फाबेट बन के कोई वर्ड नहीं बनता? नहीं सर, पर सर गौर करने वाली बात है, अगर हम इन डिजिट्स को गौर से देखें और इनको डिवाइड करें सर दिस वे 15/06/1630, इट कुड बी सर 15 जून 1630। 15 जून मतलब कल सर, कल इनामुद्दीन चौक में कुछ बड़ा होने वाला है सर, इट कुड बी टेररिस्ट अटैक। सर, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो जान माल का नुकसान हो सकता है।
अगर ऐसा है तो हमें चांस नहीं लेना चाहिए. गो अहेड, आई विल गिव यू फुल सपोर्ट. जय सर. जय सर. क्या स्टेटस सर? सुबह से नजर बनाए हुए लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. 4 बज गए, आधा घंटे बाकी. रिस्क नहीं ले सकते. मार्केट खाली करो. सर. ओ भाई भाई देख के चल. अरे भैया आपकी चाबी. हेलो. बाइक की चाबी है. इस तरह से अपनी चाबी छोड़कर क्यों भागा है? बम यही है. तुरंत बम स्क्वाड को फोन करो और पूरा इलाका खाली करो. देखिए बम टाइमर पे 20 मिनट का वक्त नहीं है. अगर धमाका हुआ तो बहुत तबाही होगी. सो प्लीज हरी अप. बाकी ग्रुप के लोग कहां इधर है? हाँ जैन सर. सर बम डिफ्यूज हो गया. गुड जॉब आदिल. थैंक यू सर. जेल में मेरी मकबूल भाई से दोस्ती हुई थी. उन्हीं के जान पहचान वालों के जरिए उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकलवाया था. उनकी बहुत चलती थी जेल में. उन्हीं का प्लान था कि दूसरे गुलशन की बेल करवा कर उसकी जगह मैं जेल से बाहर निकल जाऊं. मकबूल जैदी को फांसी की सजा हुई थी इसलिए उसको जमानत मिलना मुश्किल थी. इसीलिए उसने इस मिशन पर अपनी जगह तुझे भेजा. हाँ सर, मैं जेल से सजा काट कर बाहर निकलता भी तो मुझे कोई नहीं पूछता. और यहाँ मुझे एक नई पहचान, एक नई जिंदगी मिल रही थी. किसी मासूम की जिंदगी उजाड़ कर तो खुद के लिए नई जिंदगी ढूंढ रहा था. बोल, जेल से छूटने के बाद तो सीधा अमरिंदर के गांव गया था. क्यों? वो भी तेरे ग्रुप में शामिल था? नहीं, वो जब हॉस्पिटल में मनिका ने अमरिंदर की पोल खोल दी थी तब उस समय मेरी ड्यूटी वहीं थी. अमरिंदर के कहने पर ही मैंने उसका मैसेज पास किया था. अमरिंदर को आज ग्लोबल ग्रीन हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाया जा रहा है. तब वो वहाँ से भाग गया था लेकिन उस पर मेरे पैसे बकाया थे. उसने मुझसे वादा किया था कि उसकी इन्फॉर्मेशन पास कर दूंगा तो मुझे पैसा देगा. जेल से छूट कर मैं वही लेने गया था और वहाँ दो लड़कियाँ दिखी तो मकबूल भाई के दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ मजा किया और पेट पे टांग दिया. 10 साल पहले तूने मनिका का रेप भी किया होगा. जबान की बहुत तेज थी साहब, अपने आगे मर्दों को कुछ समझती नहीं थी. इसी अकड़ में वो अमरिंदर से बिगड़ गई. मैं भी देखना चाहता था कि कितनी गर्मी है उसमें. कपड़े बदलते हुए देखता था सामने उसे, बहुत अच्छी लगती थी मुझे. उसको प्रपोज भी करना चाहता था पर उसने मुझे कभी भाव ही नहीं दिया. उस डॉक्टर सचिन को भाव देने लगे तो मैंने उसको धमकी दी. मनिका को धमकाने के लिए तो उन्होंने डॉक्टर सचिन के घर के पास वाला पीसीयू इस्तेमाल किया. क्यों? डॉक्टर सचिन अमरिंदर का इलाज कर रहा था
पहले भी अमरिंदर का मैसेज पास किया था उस पीसीओ से मैंने, ताकि अगर बात खुले तो सारा शक डॉक्टर सचिन पे जाए। और फिर बाद में मनिका को भी उसी पीसीओ से फ़ोन करके धमकी दी, लेकिन वो नहीं मानी। तो उस दिन मुझे लगा था कि वो मर गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिंदा है और डॉक्टर सचिन ने कहा कि उसका रेप नहीं हुआ। तो मैं खुद हैरान था कि उसने ऐसा क्यों कहा। सर, मैं शादी करना चाहता था मनिका से, इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इतने सालों के बाद उसका यह आश्रय होगा। जब भी किसी गुनाह को छिपाया जाता है तो उसका परिणाम हमारे समाज के लिए बहुत घातक होता है। डॉक्टर सचिन ने मनिका के रेप का राज जिस भी मकसद से छुपाया, लेकिन पुलिस ने भी तब मनिका के सेकंड मेडिकल टेस्ट के बारे में नहीं सोचा, जो कहीं ना कहीं इस गुनाह की दस्तक को नजरअंदाज करने जैसा था। अगर ऐसा ना होता तो गुलशन पे कई गंभीर धाराएं लगती और उस दशा में शायद वो ऐसे भागने में सफल नहीं होता। लेकिन ये चूक इतनी भारी पड़ी कि उसके द्वारा ना सिर्फ दो और मासूमों का रेप और मर्डर किया गया, बल्कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। ऐसे आपराधिक तत्वों से हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि किसी के चेहरे से उसकी मंशा का आभास कर पाना आसान नहीं होता। गुनाहों के सबब ही उससे सबक लेने की मिसाल बनते हैं और किसी एक की आपबीती हमेशा दूसरे को सतर्क करती है। हमें विचार करना चाहिए कि एक स्वस्थ समाज को विकसित करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या पहल कर रहे हैं। अब मैं आशुतोष राणा आपसे लेता हूं विदा। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.